अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अबू बकर 3D ज्वेलरी डिज़ाइन। तो दोस्तों, मैट्रिक्स 9 की आज की इस क्लास के अंदर मैं आप लोगों को ये एक रिंग बनाना बताऊंगा कि ये रिंग मैंने किस तरह से डिज़ाइन की है और किन किन स्टेप को फॉलो करते हुए मैंने ये रिंग बनाई है। एंड बाय द वे, जो ये ऊपर आप एक लाइन देख रहे हैं कि मैंने ये कैसे बनाया है, मैंने ये लाइन जो है इसको मैट्रिक्स आर्ट के ज़रिए बनाया है। एक मेरे बहुत अच्छे भाई हैं जिनका नाम बाबर है और उन्होंने मुझे ये फाइल सेंड की है, यानी कि उन्होंने मुझे STL फाइल सेंड की थी और उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि सर, इसको आर्ट मेन्यू में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और आर्ट मेन्यू में किसे यूज़ करते हुए रिंग के ऊपर हम इस लाइन को लेके आ सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कम्प्लीट बताऊँगा कि किस तरह से मैंने इस फाइल को मैट्रिक्स आर्ट में यूज़ करते हुए इस रिंग के ऊपर अप्लाई किया है। तो वीडियो को ध्यान से कम्प्लीट देखिएगा, स्टेप बाई स्टेप समझिएगा, ताकि आप लोगों के पास भी अगर इस तरह की चीज़ आए तो आप उसको ईजिली बना सकें। मैं आपको फिर बताता चलूँ, ये लाइन मैंने नहीं बनाया, ये मुझे एक मेरे भाई ने, बहुत ही अच्छे भाई हैं, उन्होंने मुझे ये इसकी फाइल सेंड की थी और उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि इसको मैं आर्ट मेन्यू में, यानी कि मैट्रिक्स आर्ट में यूज़ करना बताऊं कि इसको लाइन को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ये रिंग बना ली है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ इसका आइडिया भी शेयर कर दूँ कि मैंने ये कैसे बनाई है। तो यहाँ से पहले मैं इसको प्लास्टिक व्यू करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इसको यहाँ से तमाम को पकड़ के डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने डिलीट कर दिया। अब मैंने क्या करना है, यहाँ से मैंने सबसे पहले रिंग रेल लेना है। ठीक है, रिंग रेल जाके 15 mm का रिंग रेल, उसके बाद मैंने जाना है लुकिंग डाउन में, और लुकिंग डाउन में जाने के बाद मैंने यहाँ से जाना है कर्व मेन्यू में। उसके बाद मैंने ये देखें, ये है रेक्टेंगल, ये लेना है, यहाँ से F4 दबाना है और इसको मैंने लेना है 10 mm। ठीक है, यहाँ से भी 10 और यहाँ से भी 10। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको यूटिलिटी में जाके करना है सेंटर ऑब्जेक्ट, और सेंटर ऑब्जेक्ट यहाँ पर कर लिया। उसके बाद ये रोटेट पकड़ना है, F4 दबाना है और यहाँ से स्नैप खोल के इसको मैंने इसकी पोजीशन ऐसे चेंज कर देनी यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक लेके आना है, यानी कि यहाँ तक हमने रखना है। इस रिंग रेल से हमने इसको 6 mm ऊपर रखना है, 6 या 4 हमारी मर्जी है, हमने 6 mm रखना है। तो मैं 6 mm लिखता हूँ, ये हमारा यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको कर्व को लेके इसको करते हैं ऑफसाइड कर्व 1.5। ठीक है, ये हमने 1.5 कर दिया इसको। उसके बाद एक सिंगल कर्व लेते हैं और एक पॉइंट यहाँ रखते हैं, दूसरा पॉइंट इसका यहाँ रखते हैं, दोनों को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से इसको काट देते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने कर्व यहाँ से काट दिया। उसके बाद मैं इस कर्व को कर देता हूँ डिलीट। ठीक है, उसके बाद मैं सेकंड विंडो में जाता हूँ और ये देखें, ये है एक्सटेंड कर्व, इस पर क्लिक करता हूँ। सबसे पहले मुझसे पूछा सिलेक्ट बाउंड्री, आपकी बाउंड्री कौन सी जहाँ आपने इस कर्व को लेके जाना है। मेरी बाउंड्री ये वाली है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और राइट क्लिक। अब वो पूछ रहा है सिलेक्ट कर्व टू एक्सटेंड, वो कर्व सिलेक्ट करें जिसको आपने इसके ऊपर लेके जाना, तो वो हमारा कर्व ये वाला है। मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये देखिए, ये गोल जा रहा है हमारा, हमने जब लेकिन हमने इसको यहाँ लेके जाना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ये देखिए लिखा हुआ 2 point, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ जाके अपनी मर्जी का जहाँ भी हमने सेट करना है, ऐसे 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 जहाँ भी करना है, हम यहाँ इसको मिला देते हैं ऐसे और राइट क्लिक। उसके बाद हम इसको यहाँ से पकड़ते हैं और पॉइंट स्प्लिट में जाते हैं, ये पॉइंट पकड़ते हैं, यहाँ से इसको मिड से काट देते हैं, ये हमने काट लिया। उसके बाद इस पॉइंट कर्व को पकड़ के हमने ऐसे मिरर कर लिया यहाँ पे। ओके, मिरर करने के बाद इन दोनों कर्वों को सिलेक्ट किया, ज्वाइन नहीं करना, लुकिंग डाउन में जाएंगे, रोटेट F4 यहाँ से कॉपी करेंगे और इसको यहाँ से पकड़ के ऐसे रोटेट कर लेंगे, ये हमारा रोटेट हो गया। ठीक है, ये हमारा रोटेट हो चुका है यहाँ पे। उसके बाद इस वाले कर्व को मैं हाइड कर ऐसे ड्रॉप कर देता हूँ। अब मैं जाता हूँ सरफेस में और पकड़ता हूँ कंट्रोल नेटवर्क। उसके बाद पहले ये कर्व लेता हूँ यहाँ से, फिर ये कर्व, ये कर्व, ये, उसके बाद ये कर्व, उसके बाद राइट क्लिक। उसके बाद यहाँ प्रीव्यू करता हूँ तो ये थोड़ा सा ख़राब आ रहा है, नो प्रॉब्लम, हम इसको करते हैं कैंसिल एक दफ़ा। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस कर्व को लेके पहले इस कर्व को हम करते हैं ब्लास्ट। ठीक है, ये हमने ब्लास्ट कर दिया, अभी 4 हिस्सों में हमारा डिवाइड हो चुका है। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, लुकिंग डाउन में जाते हैं, कर्व मेन्यू खोलते हैं और यहाँ से ये कर्व लेते हैं। ठीक है, फिल्टर कर्व, इस पर क्लिक करते हैं और जूम करते हैं, पहले इस कर्व को पकड़ते हैं फिर इसको, ये देखें यहाँ से गोलाई कर दी इसने। उसी तरह से इस दोबारा राइट क्लिक करते हैं, अब इस कर्व को पकड़ते हैं, इस कर्व को, ये ऐसे गोल हो गया। उसके बाद दोबारा राइट क्लिक, फिर ये कर्व, ये कर्व, उसके बाद दोबारा राइट क्लिक, ये कर्व और ये कर्व। ठीक है, ये आ गया हमारा, अब ये हमारे ब्लास्ट हैं, अब इनको पकड़ के हम यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, अब हम दोबारा थ्रू फिंगर में जाते हैं और इस कर्व को दोबारा से हम ऑफसाइड करते हैं 1.5। ठीक है, और उसके बाद सिंगल कर्व लेते हैं यहाँ पर दोबारा और इसको हम यहाँ से काट देते हैं, ये हमने काट दिया। अब यहाँ से डिलीट कर दिया ये कर, दोबारा ये वाला जो हमारी कमांड है इसको लिया, सिलेक्ट बाउंड्री, राइट क्लिक, उसके बाद ये कर, पॉइंट ये लगा दिया यहाँ। ठीक है, राइट क्लिक कमांड से बाहर,
उसके बाद यहाँ पॉइंट पकड़ा हमने और इस पॉइंट को हमने यहाँ से यहाँ पर रखा और ये डिलीट कर दिया हमने। उसके बाद इस पॉइंट को हमने यहाँ से मिरर कर दिया। अब लुकिंग डाउन में जाके रोटेट पकड़ेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे F4 और इन दोनों पॉइंट कर्वों को यहाँ ले आएंगे। ठीक है, ये हमारे कर्व यहाँ पे आ चुके हैं। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, हम जाते हैं सरफेस में कंट्रोल नेटवर्क, पहले ये कर्व लेते हैं, फिर ये उसके बाद ये और फिर ये, राइट क्लिक करते हैं। अब देखते हैं ठीक आता है कि नहीं आता। अब तो अब ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट और ठीक आ रहा है। ठीक है, अब हम शो करते हैं ओके, ये ओके हो गया हमारा। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हम जाते हैं यहाँ से साइड व्यू में। ठीक है, साइड व्यू में जाने के बाद अब हम यहाँ पे इसको करते हैं बंद। ठीक है, इस कर्व को हम सरफेस को ये वाला कलर दे देते हैं। अब हमारे ये यहाँ पे कर्व मौजूद है ये वाला। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कर्व में जाते हैं और यहाँ से इंटरप्ट कर लेते हैं और यहाँ से रखते हैं इसको यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट रखते हैं और इस कर्व की लेयर चेंज करते हैं, उसको चलाते हैं हम यहाँ पर ऐसे। ठीक है, ये कर मैंने यहाँ चलाया और यहाँ तक मैं ले आया। ठीक है, उसके बाद इसको मैंने दिया कंट्रोल पॉइंट और इस कर्व को मैंने हल्का सा इधर कर दिया ऐसे, इस कर्व को मैंने हल्का सा कर दिया इधर ऐसे। उसके बाद मैंने इस कर्व को लिया, इसको यहाँ पे हल्का सा ऐसे कर दिया। ठीक है, ये हमारा कर्व यहाँ आ चुका है। इस कर्व को मैं थोड़ा सा यहाँ से सीधा कर लेता हूँ ऐसे, ये मैंने सीधा किया। उसके बाद मैं करता हूँ स्केप, इसको मैं डिलीट करता हूँ पॉइंट को, ये पॉइंट डिलीट किया और कंट्रोल जी करते हैं क्योंकि ऊपर का पॉइंट ख़राब हो रहा है, इसे हम डिलीट नहीं करेंगे इसको। उसके बाद मैं करता हूँ उसको स्केप और इस कर्व को मैं कर देता हूँ यहाँ पे मिरर। ये मैंने ऐसे मिरर किया, इन दोनों कर्वों को सिलेक्ट किया, सरफेस सेलेक्ट की ये वाली और उसके बाद ये कैंची यानी ट्रिम और यहाँ से काट दिया, ये भी मैंने काट दिया। लेकिन जैसे मैंने इसको काटा तो हमारे पास ये शेप बन के आ चुकी है यहाँ पे। ठीक है, ये शेप हमारे पास रेडी हो चुकी है इसकी। मैं इन कर्वों को यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ से मैं इनको ये वाला कलर देके हाइड कर देता हूँ और यहाँ से इस कर्व को मैं ये वाला कलर देके हाइड कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरे ये देखें, ये शेप अंगूठी की बन के यहाँ पे आ चुकी है। तो इस तरह की कोई भी अंगूठी हो आपने उसकी शेप इस तरह से बनानी है। ठीक है, अब चलें इसके आगे चलते हैं हम। अब इस कर्व को लेते हैं, साइड व्यू में जाते हैं, लुकिंग डाउन में यहाँ से साइड व्यू में जाके इसको हम करते हैं 0.8 बोथ साइड। ये बोथ साइड 0.7 करते हैं, 0.7 बोथ साइड किया हमने। रिंग रेल को हमने हाइड कर दिया और इसको हमने दोनों कर्वों को, जो ब्लू वाले कर्व हैं हमारे ये अंदर वाले, इन दोनों को हमने कर दिया यहाँ से लॉक। ये हमारे लॉक हो गए। ठीक है, ये हमारे लॉक हो गए। अब हमने क्या करना है, अब हम यहाँ पे जाएंगे इस जगह पे, ये देखिए सरफेस की विंडो में ये है ब्लेंड सरफेस, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये जो अंदर वाली सरफेस है इसका पहले एज ये वाला लेंगे और उसके बाद जो बाहर हमने ये डंडी बनाई है इसका जो ये वाला एज है बाहर वाला ये लेंगे। ठीक है, यहाँ से उसके बाद हम करेंगे राइट क्लिक, ये हमारे पास ये आ गई। ठीक है, ये हमारे पास सरफेस आ गई। अब ये देखिए ये कुछ कर्व का घाट बन के हमारे पास आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से जैसे हम सेट करेंगे नीचे कर्व यहाँ से वैसे ही घाट बनाएगी, देखिए यहाँ से बाहर हो जाएगी, यहाँ से ये बाहर आएगी। तो हमने यहाँ से इसको सेट करना है। अब यहाँ से मैं इन पॉइंट को लेकर थोड़ा सा बिल्कुल यहाँ परफेक्ट सेट करता हूँ। ठीक है, और मेरे मुताबिक ये सेट हो चुके हैं। उसके बाद मैं यहाँ से ओके करता हूँ। तो देखिए जैसे मैंने ओके किया यहाँ पे हमारा बिल्कुल स्मूथली यहाँ पे ये पैच लग गया यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद मैं इसको यहाँ ऐसे मिरर करता हूँ, ये मैंने मिरर किया। ठीक है, यहाँ से गोलाई भी आ गई हमारी और ये गोल भी परफेक्ट हो गया। उसके बाद मैं इसको यहाँ से पकड़ के ज्वाइन करता हूँ, ये मैंने ज्वाइन किया और ये एक कलर हमारे पास आ गया। तो ये देखिए हमारे पास एक स्मूथली रिंग रेडी हो चुकी है। ठीक है, ये रिंग भी बन चुकी है हमारे पास। उसके बाद इसके मैं डुप्लीकेट एज लेने के बजाय यही वाले कर्व खोलता हूँ। ठीक है, और ये कर्व लेने के बाद मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ पैच, ये मैंने पैच कर दिया। अब मैंने ये कर्व दोबारा से हाइड कर दिया। हाइड करने के बाद इनको मैं सेलेक्ट करता हूँ तमाम को, यहाँ पे ये लेयर चेंज कर लेता हूँ, इसको मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। तो देखिए जैसे मैंने ज्वाइन किया ये हमारे पास ये ज्वाइन अब हुआ जाए, ये अभी भी नहीं हुआ, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। अगर ये ज्वाइन नहीं भी हुआ हमारे पास कोई इतना मसला नहीं है, हम इसको कर देते हैं डिलीट और यहाँ से कर्व में जाके इसके हम सेकेंड विंडो में जाके डुप्लीकेट एज ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने डुप्लीकेट एज लिया, इसको हमने कर दिया पैच, ये हमारा पैच हो गया। अब हम क्या करते हैं, तमाम को पकड़ के अब ज्वाइन करते हैं। तो ये देखें जैसे ही मैंने ज्वाइन किया ये हमारा ज्वाइंट हो गया। समटाइम होता है कि इसमें एजेस वगैरह मिले नहीं होते और जो कि हमें नज़र नहीं आते, जिस वजह से ज्वाइंट नहीं होता, हम लोग परेशान रहते हैं। तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं, जैसे मैंने इसका डुप्लीकेट एज लेके इसको ज्वाइन किया, आप इस तरह कोई सिचुएशन ऐसी आए तो आप उसको ऐसे कर लीजिएगा, कोई इतना मसला नहीं है। उसके बाद अब देखें ये हमारी रिंग यहाँ पर रेडी हो चुकी है। असल काम अब हमने शुरू करना है, वो क्या, अब जो ये वाला हमारा पोर्शन है इसका हमने लेना है क्रिएट यूवी कर्व। यहाँ जाके
ये देखें कर्व मेन्यू की सेकंड विंडो, इसमें ये क्रिएट यूवी कर्व, इसको क्लिक करेंगे और इस सरफेस को क्लिक करके राइट क्लिक, ठीक है, ये हमारे पास आ चुके हैं यहाँ पे ये ऐसे यूवी कर्व, ठीक है। उसके बाद यूवी कर्व तो हमने निकाल लिया, लेकिन उससे पहले जो उसका हमने इसके ऊपर लाइन अप्लाई करना है यानी कि शेप जो बनाना है उसकी फाइल मैं निकाल लेता हूँ, जिसकी फाइल मैंने यहाँ प्रोजेक्ट में रखी हुई है, ठीक है, यहाँ पे ये ठीक है। इस तरह प्ले करता हूँ तो ये देखें ये मेरे पास यहाँ पे इसकी लाइन की फाइल आ चुकी है यहाँ पे, ठीक है, ये ठीक है, ये शेयर मेरे पास आया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, आर्ट पहले पहले खोल लेता हूँ मैट्रिक्स, ये देखिए मैं आर्ट, ये मैट्रिक्स आर्ट ये मैंने खोला। अब उसके बाद मैंने क्या करना है, अब उसके बाद मैंने यहाँ से जाना है, ठीक है, अब मैं जाऊँगा यहाँ से यूटिलिटी में और ये देखें शो जेड बफर इस पर क्लिक करूँगा, ये हमारे पास सारा वाइट हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब ये हमारे पास सारा वाइट हो चुका है, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, अब हमने करना ये है जिस तरह से मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमने किस तरह से कोई भी टेक्सचर बना के उसको किस तरह से अप्लाई यानी कि कन्वर्ट करना है और खुद से अपना टेक्सचर बनाना है, अब मैं यहाँ पे वही करने लगा, ठीक है। पहले सारा ही वाइट हो चुका है हमारा यहाँ पे, तो अब ये देखिए ये हमारे पास यहाँ वाइट हो चुका है। उसके बाद ये देखिए ये ऑप्शन है हमारी कन्वर्ट टू बिटमैप, मैं इस पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर ऐसे। अब हम उससे पूछ रहे हैं आपने कितना एरिया सेलेक्ट करना है जिसको आपने कन्वर्ट करना है, तो यहाँ से मैं इसको एरिया को इतना सेलेक्ट करके, ठीक है, ये मैंने एरिया इतना सेलेक्ट किया और इसको मैंने यहाँ पे ऐसे रख दिया, ठीक है। अब वो मुझसे पूछ रहा है आपने कहाँ सेव करना है, मैं इस पिक्चर के ऊपर यहाँ जो मैंने पहले सेव की हुई है मैं इसके ऊपर सेव कर देता हूँ और इसको रिप्लेस कर देता हूँ। उसके बाद इसको मैं यहाँ से ऑप्शन को दोबारा खोल देता हूँ और इस जो लाइन है हमारा इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, अब ये हमने जो यूवी कर्व लिया हुआ है इसका ये वाला जो हमारा कर्व है इसको लेके हम इस लेयर में डाल देंगे, हमारे पास ये ऐसे शेप हमारे पास ये कर्व आ जाएगी, ठीक है। इसको कैसे हमने प्लेन करना है और क्या कैसे पॉइंट से पॉइंट यूज़ करते हुए हमने इसकी शेप चेंज करनी है मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम जाते हैं पिक्चर में और यहाँ पे अब हम करते हैं लोड बिट मैप, यानी कि ये वाली जो लोड बिट मैप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो अब ये देखिए हमारी ये यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर पिक्चर पड़ी हुई है, ये इस पर क्लिक करके मैं इसको करता हूँ एंटर। जैसे ही मैं एंटर करूँगा ये लाइन की जो पिक्चर है वो यहाँ पर आ जाएगी, जैसे ये देखिए यहाँ पर आ चुकी है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा नीचे आके इसको पहले सेट करते हैं यहाँ ऐसे, यहाँ मैं ले आया। उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा नीचे नहीं, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से ऐसे ले आता हूँ यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करता हूँ यहाँ ऐसे। अब जो इसकी हाइट है वो है 1 mm, अब इसकी हाइट हमने मज़ीद बढ़ानी है वो मैं कर देता हूँ यहाँ से ये ऐसे, ठीक है, ये 3.5 mm, ये 3.5 mm मैंने इसकी हाइट कर दी और ये शेर का जो फेस है हमारे पास ये ऊपर निकल के आ चुका है, यानी काफ़ी नुमाया हो चुका है। उसके बाद यहाँ से रेजोल्यूशन मैं करता हूँ इसकी 18 और अपडेट करता हूँ। उसके बाद इफेक्ट्स में जाके हाई करता हूँ और यहाँ से बोथ एंड ऑलरेडी है हमारा, ये देखिए इसके अंदर कुछ काफ़ी स्मूथनेस आ चुकी है, ठीक है। उसके बाद जस्ट मैं यहाँ से क्रिएट मैश करूँगा, तो अब यहाँ से मैं इसको करूँगा क्रिएट मैश, ये मैंने क्रिएट मैश किया और थोड़ा सा यहाँ वेट किया तो ये देखिए हमारा ये मैश हो चुका है। तो अब मैं आर्ट मेन्यू की जो विंडो है तो यहाँ से बंद कर देता हूँ, उसको करता हूँ यहाँ से प्लास्टिक, ये देखें जैसे मैंने प्लास्टिक किया तो ये हमारे पास शेयर यहाँ पे आ चुके हैं, ओके। अब मैं इसको पकड़ता हूँ यहाँ से करता हूँ ब्लास्ट, ये मैंने ब्लास्ट किया, ये नीचे वाली सरफेस हमारी डिलीट हो गई, अभी हमारा खाली हो चुका है यहाँ से, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सिर्फ इस एरिया को नहीं बल्कि इन तमाम को पकड़ के जाएंगे यूटिलिटी में और ये देखें ये है अप्लाई मैश यूवी है, इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे, तो ये मेरे ख्याल से चला गया नीचे की तरफ। तो अभी देखिए हम इसको दोबारा अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, ये सेलेक्ट किया अप्लाई मैश यूवीएन, इस पर क्लिक किया, ये नहीं आ रहा, ठीक है, इसका मतलब ये अंदर की तरफ इसके मूव हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये हमने सरफेस बनाई हुई है इसकी शेप हम चेंज करेंगे, वो कैसे, थ्रू फिंगर में जाते हैं, रोटेट पकड़ते हैं यहाँ से इसको यहाँ मिड पॉइंट और इसको यहाँ से रोटेट कर देते हैं, इसको मैं यहाँ पर उल्टा कर देता हूँ। उसके बाद मैं जाता हूँ अप्लाई मैश यूवीएन और इस पर क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ मैंने इसको उल्टा किया, यहाँ पर ये सीधा आ गया हमारा, ठीक है। तो इस तरह से अगर कुछ सम टाइम आपके पास ये प्रॉब्लम आए तो आपने इसको ऐसे सॉल्व करना है। तो अब मैं यहाँ से इसको हाइड कर देता हूँ, यहाँ मैंने इसको हाइड कर दिया और इसका जो कलर है मैं इसको यहाँ पे आपको चेंज करके दिखा देता हूँ, जैसे कि ये कलर, ठीक है। तो ये देखें अब मैं इसको जो फेस है इसको पकड़ता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ स्मूथ SMO, ये सबसे ऊपर स्मूथ आ गया हमारे पास, इसकी जो वैल्यू है मैं 1 mm करता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो उसके बाद ये देखें स्मूथनेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा आ गई, ठीक है, थोड़ा क्लियर हुआ फेस वगैरह इसका और यहाँ पे ये निकल के हमारा फेस जो है शेर का आ चुका है, उसमें काफ़ी जो लाइनिंग वगैरह आ रही होती है वो स्मूथनेस करने से ठीक हो जाती है। तो इस तरह से मैंने इस लाइन वाली जो लिंग है हमारे पास रिंग है,
इसको मैंने क्रिएट किया है और आप लोगों के सामने मैंने टोटल आपको बता दिया कि मैंने इसको कैसे बनाया है। अब यहाँ जाके मैं इसका थोड़ा सा आपको इसका व्यू भी चेंज करके दिखा देता हूँ। ये देखें, ये ऐसे मैंने इसकी लाइन वाली जो रिंग है मैंने इसको ऐसे यहाँ पे ऐसे बनाया है। तो यहाँ से अगर मैं इसको दोबारा लेगेसी में जाता हूँ तो ये देखें थोड़ा सा ये ऐसे आ जाएगा हमारे पास। इसको प्लास्टिक व्यू में ही जाते हैं और यहाँ पे ये ठीक है। तो ये हमारे पास जो लाइन रिंग है ये रेडी हो चुकी है। तो अब आपकी मर्जी है, आप इस तरह की रिंग बना के इसके साइडों पर भी अगर कोई काम करना चाहें वो आप इजीली कर सकते हैं। मैंने तो नहीं करना, जो मैंने बनाया था वो आइडिया मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। और आप लोगों को ये आइडिया कैसा लगा और अच्छा लगा हो तो उसको वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि इस तरह की जो आप वीडियोज़ हैं वो आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुँचती रहें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। और आप लोगों के पास भी इस तरह कुछ आइडिया हो या आपने कुछ अपने सवाल मुझसे पूछने हो तो आप लोग मुझे इस तरह से कुछ फाइल वगैरह भेज के उसका हल पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको पूरी कोशिश करूँगा कि उसको आप बिल्कुल कंप्लीट जैसे मैंने आपको ये बताया इसका आप लोगों के सवालों के जवाब भी देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए इंशाल्लाह आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।